हेलो एवरीवन बेटा, आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.4 मैथ्स की। और टॉपिक है बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। इस वाली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन 10 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस तो मैंने पहले क्लास में पढ़ा रखा है। कुछ प्रॉपर्टी है लॉग्स की, वो अगला वाला जो चैप्टर होगा इससे अगले वाले जो स्टेज होगी उसमें लॉग्स की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी वाले, तो मैं उनको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों आपका वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ओवर साइन एक्स, राइट। आपसे पूछा है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, आपको डिफरेंशिएट करना है वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डिवीजन रूल आपको लगा देना है। तो डिवीजन रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट वाई, पहले लिख लेंगे डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो नीचे वाले क्या करते हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, और नीचे वाले को ही कॉन्स्टेंट कर देते हैं, इसको ही क्या कर देंगे कॉन्स्टेंट, और ऊपर वाले क्या कर देंगे डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो एक पावर एक्स का एक पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस का साइन लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो बच्चे ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिएगा, कितना बचेगा ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ना कि डिवीजन रूल लगाते कैसे हैं। इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, आप देखिएगा इसको हम ये सब डी बाई ओवर डी एक्स, नीचे वाला कितना है साइन एक्स स्क्वायर, इसको तो हम कर देंगे होल स्क्वायर, और नीचे वाले को कर देंगे कॉन्स्टेंट साइन एक्स, और ऊपर वाले क्या कर देंगे बेटा डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे ये इसको बाहर ले लेंगे ई पावर एक्स को, और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक। तो साइन एक्स कॉन्स्टेंट था, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पर लगा दिया, ये कॉन्स्टेंट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। यहाँ से मैंने ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, और ये आपका आंसर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट का आंसर आपका कितना, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या करेंगे, इन सभी में आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों आपका वाई इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा क्या करोगे, वही फिर से डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना है आपको। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है ना। अगर आप ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो फर्स्ट जब हम कर रहे हैं तो बेटा सेम आ जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका कंप्लीट आंसर है, राइट। तो क्या लिख देंगे इसको, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। एक बार फिर सुन लो इसको, सबसे पहले इस पूरे करेंगे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का, तो सेम आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव वही होता है। फिर इसका करेंगे तो इसका होता है वन अपॉन रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये इसका आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है बच्चे वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स टू पावर थ्री, क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा सेम लिख देंगे इसको, पहली बार में तो सेम ही आ जाएगा, अगली बार में इतने का करना डेरिवेटिव एक्स टू द पावर थ्री का, तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स की, ये इसका आंसर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है बच्चों, फोर क्वेश्चन है आपका वाई इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस का एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना है ना। देखिए कितना हो जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो साइन का पहले पूरा करना है, साइन कितना होता है कॉस, और एंगल कितना रखा है यहाँ पर टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट टाइम में तो साइन कर दिया तो कॉस हो गया, अब आपको इसका करना है पूरे का टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स में क्या होता था बेटा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है पता है ना आपको,
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका भी करना है ई टू द पावर माइनस एक्स का, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर इसका भी करना है माइनस एक्स का, तो ये माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर, ये बचेगा बेटा कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा वन माइनस का ई टू द पावर टू एक्स, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर थ्री एक्स। राइट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया बच्चों, फाइव है वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, ये आपको इतना दे रखा है वाई इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। तो आपको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, याद रखना लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स लॉग, तो लॉग का हो जाएगा वन अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर कॉस का करेंगे पूरे का तो माइनस का साइन ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स करेंगे तो ई टू द पावर एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन ई टू द पावर एक्स, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे ई टू द पावर एक्स, तो आप लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। वेरी वेरी सिंपल। तो ये एक्सरसाइज तो ईजी है बेटा, जो अगला वाला चैप्टर है ना आपका, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, वो 5.5 लॉगरिथमिक फंक्शंस, वहाँ से थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का बढ़ जाता है। तो अभी तो एक बेसिक क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है बच्चे, ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव, ये आपको वैल्यू दे रखी है, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको देखो कहाँ तक जा रहा है, ये एक्स टू द पावर फाइव, इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स क्यूब, फिर ये चार बार, और लास्ट में कौन सा है ये फाइव टाइम्स, ये वाई है। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा ई पावर एक्स, ई पावर एक्स पूरे करेंगे पहले ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा टू एक्स, ऐसे ही इसका ई एक्स क्यूब हो जाएगा पूरे का, फिर एक्स टू द पावर थ्री का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, इसका पूरा कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर, और एक्स पावर चार कितना हो जाएगा चार एक्स क्यूब, लास्ट में ई टू पावर एक्स, ये तो सेम हो जाएगा डेरिवेटिव, और एक्स टू द पावर फाइव का हो जाएगा फाइव एक्स टू द पावर फोर, ये आपका आंसर है इसका। यहाँ से ई पावर कॉमन नहीं आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, वेरी वेरी सिंपल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है बच्चों, सेवन में कह रहा है वाई इज इक्वल टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स, तो आपको मैंने बता रखा है कि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये पूरा रूट के अंदर एक फंक्शन है, तो इसको कहेंगे वन अपॉन टू पूरा फंक्शन ई टू द पावर रूट एक्स, पहले कंप्लीट टू पूरा डालेंगे इसके अकॉर्डिंग वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट का ये वन अपॉन टू इसका रूट, और करना है ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर रूट एक्स का, तो इसका तो सेम हो जाएगा रूट एक्स, और फिर इस करना है रूट एक्स का, रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, इतनी वैल्यू आ गई है ना। तो बेटा यहाँ आप इसको लिख सकते हो ये फोर हो जाएगा वन अपॉन फोर, और ये आपका आ जाएगा रूट एक्स, और ये आप कह देंगे ई पावर रूट एक्स और ई पावर रूट एक्स, इसको और भी सॉल्व कर सकते थे आप यहाँ पर, कैसे वन अपॉन फोर रूट एक्स है ना बच्चों, तो यहाँ देखो ये ई पावर रूट एक्स, और ये कितना है ई टू पावर एक्स की पावर हाफ है, ये रूट को वहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर पावर कितनी है ऊपर एक है, पावर बेस सेम है, पावर नेगेटिव में ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगी, तो वन में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉइंट फोर रूट एक्स इंटू ई टू पावर एक्स की वैल्यू हाफ बचेगी बेटा ऊपर, उस हाफ को हम ऐसे लिख देंगे और नेक्स्ट में बोल देंगे वन अपॉइंट रूट फोर एक्स इंटू पावर रूट एक्स का रूट,
ये आपका डी वाई ओवर डी एच हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। अब क्वेश्चन बचता है बेटा एट, क्वेश्चन नंबर एट। एट देखो, y इज इक्वल टू log log x, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। log x का कितना होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन x होता है log x का डेरिवेटिव, है ना। तो ये log और ये फंक्शन इसके साथ, तो y इज log 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 x का हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर इसका करना है log x का, log x हो जाएगा 1 अपॉन x, x का करना है तो 1, कितना बचेगा 1 अपॉन x log x, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर इसका आंसर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, सॉरी, तो इसमें डिवीजन रूल लगा लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स नीचे वाले का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को ही कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, इसको बाहर ले लेंगे और फिर से लॉग एक्स का डेरिवेटिव, कितना बचेगा, ये तो आपका लॉग एक्स है, कॉस एक्स में हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और ये कॉस एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और नीचे क्या बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, कितना बचेगा ये एक्स लॉग माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और ये नीचे क्या आ जाएगा x इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो x log x का होल स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर, ये तो नीचे जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर है, इस माइनस साइन को देखेंगे तो माइनस का x log sin x माइनस का cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा वो भी सिंपल है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेंथ क्वेश्चन। ये है बेटा वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, वो भी माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और लॉग एक्स वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना लिखोगे माइनस का साइन कितना लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर लेंगे तो 1 प्लस x टू द पावर x और x, ये बेटा आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी, अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वहाँ और मजा आएगा आपको पढ़ के। आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।